Hey, this is Gaurav Chopra and you are watching me on Filmy Beat. Keep watching. सिर्फ वो मूछ रखने में 15-20 दिन लग गए, एक जिम्मेदारी और एक रक्षा का भाव आपको दिखेगा. इनके वो 22 साल बीच में बीते ही नहीं है, ये पता नहीं कौन सा जादुई फॉर्मूला खा रही हैं. जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके मन में ज़्यादा होता है. मुझे लगता है कि काम सिर्फ अच्छा या बुरा हो सकता है, बड़ा या छोटा नहीं. जो आपको पसंद ना हो वो बिल्कुल मत देखिए. आई टिकट आप खरीदेंगे तो आपको पैसा वसूल है, ये मैं आपको बता सकता हूँ. एवरीवन, मैं हूं सरबीरन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. और आज हमारे साथ वो हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि गौरव चोपड़ा. आपका वेलकम है फिल्मी बीट. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो इतने सारे आपको यू नो शोज में हमने देखा है एंड अब आप गदर 2 में आ रहे हैं एंड आपका जो लुक है मैं आपको बता दूँ, लिटरली बहुत अमेजिंग है एंड किलर है. क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच. पहले लुक को पसंद करने के लिए उस लुक पे बड़ी मेहनत की गई थी, तो आज अच्छा लगता है कि लोगों को, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है पहली झलक में. ऑफ कोर्स जब आप सिनेमा के पर्दे पर देखेंगे, वो भी गदर जैसे बड़ी फिल्म में, तो रियल रिस्पॉन्स तब मिलेगा. 2020 में कुछ एक ऐसा मन बना लिया था मैंने कि कुछ अलग करेंगे और फिर अगले 3 साल में सिर्फ 3 रोल के लिए हाँ की, बाकी सब मना कर दिए. बहुत नुकसान हुआ बट कर दिया. ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो अब सच्चे दिल से कोशिश करनी चाहिए. बचन पांडे जिसमें अक्षय कुमार के ऑपोजिट में एंटागनिस्ट था, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स के लिए राणा नायडू, वो एक अलग, बिल्कुल अलग दुनिया थी. उसमें मैं देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, उसमें हर किस्म के शेड्स थे. तो पहले विलेन, फिर हर किस्म के शेड्स और फिर गदर, जिसके अंदर एक बहुत पेट्रियोटिक और बहुत पॉजिटिव आर्मी ऑफिसर का पार्ट है. तो मुझे लगा कि एक वो अलग किस्म की वैरायटी मैं दिखा पाऊँगा, बैक टू बैक कुछ अलग वेरिएशन दिखा पाऊँगा. पर कहना आसान है, फिर करना पड़ा तो मुश्किलें सामने आई. अलग अलग बॉडीज़ बनानी पड़ी, अलग अलग बाल, अलग अलग मूछ दाढ़ी की कंटिन्यूटी, और मुश्किल होता है. एक ही साल में 3-4 बार बीट पुट ऑन करना, फिर गवाना, फिर पुट ऑन करना, फिर गवाना. गदर की सिर्फ वो मूछ रखने में 15-20 दिन लग गए. अलग अलग डिसाइड करते रहते थे मैं और अनिल जी के, इतनी लंबी, थोड़ा ताव होना चाहिए क्या, थोड़ी गहरी होनी चाहिए, थोड़ी मोटी होनी चाहिए. तो वो उस वक्त का हम ईरा क्रिएट कर रहे हैं, 1970 का. तो 1970 का आर्मी ऑफिसर लगना चाहिए, और बस उसी के लिए कोशिश की. उसी के लिए डाइट भी वैसी, वर्जिश भी पहलवानी वाली की, और पराठे भी खाए और देसी घी भी खाया. जिस किस्म की डाइट उस वक्त रखी जाती थी, एक्सरसाइज की जाती थी, वैसा ही करने की कोशिश की, ताकि जब आप कर्नल रावत को स्क्रीन पर देखें तो आपको 1970 का एक आर्मी ऑफिसर दिखाई दे. सो वो दिखाई भी दे रहा है. लेकिन अगर गदर की बात करें तो इतनी बड़ी हिट रही है ये फिल्म, एंड जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई हो, आपको ये ऑफर हुआ हो, तब के दिमाग, ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो आपको होगी, पर कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा कि इतनी बड़ी हिट उस वक्त थी, मतलब क्या कुछ आपके माइंड में तब चल रहा? मैं बहुत ज़्यादा खुश था. अनिल जी कई बरसों से मेरे काम की तारीफ करते आ रहे हैं, इज बीन वेरी वेरी नाइस एंड जेनरस लाइक दैट. वो ही नहीं, उत्कर्ष भी, अनिल जी की वाइफ भी, वो जब भी मिलते थे कहीं भी, कभी कभार ऑफिस बुला कर वो तारीफ करते थे काम की. तो उनके पूरे परिवार से मुझे वो सराहना मिलती आई है. तो मुझे इस बात का भरोसा तो था कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए बुलाएंगे, वो स्पेशल होगा. थोड़ा सा संकोच कर रहा था मैं शुरू में, क्योंकि मुझे लगा सीन कम है, सामने बहुत बड़े स्टार्स हैं. पर जब उन्होंने मुझे नरेशन दी, तब मैं समझा कि कैसे इस रोल में वो मुझे ही चाहते हैं. क्योंकि ये रोल, जब ये किरदार कर्नल रावत के बारे में कुछ एक ऐसी जिम्मेदाराना वाइब है उनकी, कि वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये है ना, अब ये देख लेंगे, ये संभाल लेंगे, ये हैं तो हम सुरक्षित हैं. तो वो सब किरदारों को प्रोटेक्ट करते हैं, और क्लाइमैक्स तक उनकी जब भी एंट्री होती है तो वो कुछ अपनी रक्षा और जिम्मेदारी के भाव के साथ आते हैं. तो वो मुझे लगा कि बड़ा ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट टू द रोल था, और उसमें नंबर ऑफ सीन्स मैटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस किरदार का इम्पैक्ट उसकी उसकी एक्चुअल प्रेजेंस से है. बस फिर उसके बाद अब ये था कि हाँ तो कर दी, अब इसे अच्छे से निभा लेते हैं, ताकि ऑडियंस को ये उस तरीके से दिख सके जिस तरीके से विजुलाइज किया गया है. पर जब भी, लाइक आई सेड, वो कर्नल रावत स्क्रीन पर आएंगे, चाहे वो टैंक पे खड़े होकर आएँ, या वो किसी ऑफिस में बात करते हुए दिखें, या किसी को कहीं बॉर्डर पार बचाने की वो कोशिश कर रहे हों, जब भी आपको दिखेंगे, एक जिम्मेदारी और एक रक्षा का भाव आपको दिखेगा.
डेफिनेटली वो वाओ वाला फील आप देने वाले स्क्रीन पे। मैं नहीं जानता वो वाओ का रिएक्शन मिलेगा कि नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि आप फिल्म देखने के बाद मुझे मैसेज करके बताएं और कहें वाओ। अच्छा, गदर वन आपने देखी थी और तब सोचा था कि आपको ये ऑफर होगा और आप ये करेंगे और ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जब मैंने गदर वन देखी थी तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। गदर और लगान दोनों साथ में देख डाली थी और लगा कि अरे वाह, हमारी हिंदी फिल्में चेंज हो रही हैं और कितना अच्छा फिल्म मेकिंग है और कितना अच्छा पहले से हम कहानी को बताने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, स्केल कितना अच्छा है। अब उस बड़े जहाज़ पर जिसको 22 साल से इतनी मोहब्बत मिलती आई, अब उस पर एक छोटा सा नाम मेरा भी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने कहा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं इस फिल्म में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सनी देओल जी के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का? देखिए, उनके साथ तो बहुत ही रियल हो गया क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर्स के साथ वक्त बिताकर, ये बॉडी बनाकर, ये बिल्कुल उस जोन में जाकर सचमुच ही कर्नल रावत बन गया और वो तो तारा सिंह ही हैं। वो उतने ही प्यारे हैं, उतने ही लोगों को अपनापन में अपनेपन के साथ बिल्कुल अपने साथ जोड़ कर रखते हैं और फिर जब उनको एक्सप्लोर करना होता है डायलॉग्स में तो वो ऐसे बिल्कुल दहाड़ लगा देते हैं जैसे लायन होता है किसी जंगल में। तो आई डोंट थिंक तारा सिंह और सनी सर में ज़्यादा फ़र्क है। और मैं क्योंकि कर्नल रावत ही था और वो तो तारा सिंह ही थे तो मतलब ज़्यादा एक्टिंग करनी ही नहीं पड़ी। वो पहला ही सीन जो मेरा उनके साथ है वो आप देखेंगी तो आपको वो दिख जाएगा कि एक बहुत जेन्युइन अपनेपन के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं। अमीशा को पहली बार सेट पर देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे ऐसा लगा इनके वो 22 साल बीच में बीते ही नहीं हैं, ये पता नहीं कौन सा जादुई फॉर्मूला खा रही हैं। बट उस खूबसूरती के बियॉन्ड जिस मेहनत से रिहर्सल्स कर करके हम लोगों ने वो सीन्स किए तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके, उत्कर्ष के साथ भी। तो सबके साथ सीन्स हैं पर गदर मेरे लिए एक स्पेशल मेमोरी रहेगी क्योंकि गदर कहीं करते करते एक्टिंग छोड़कर एक एक्चुअल रियल भाव, एक एक्चुअल रियल फीलिंग आने लगी थी। ओके, सो आपने ही बॉलीवुड किया है, ओटीटी किया है, टेलीविजन किया है, आपको क्या आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्योंकि हमने देखा है अभी कोविड के बाद से ही बॉलीवुड का जो बॉयकॉट बॉलीवुड चलता आ रहा था, ओटीटी को बहुत हाइप मिली है उसके बाद, एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन तो सदा बाहर है। सो आपको क्या डिफरेंस इसमें लगता है? मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंस। आई थिंक एक एक्टर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस मीडियम पे काम कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इस बात का हो जाता है कि मुझे देख कौन रहा है। हर किस्म की ऑडियंस की एक अपनी अलग प्रेफरेंस, एक अलग टेस्ट होता है और वो आपको समझना होता है कि मेरी ऑडियंस क्या है। मैं नुक्कड़ थिएटर कर रहा हूँ या मैं OTT पे, नेटफ्लिक्स पे कुछ कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, या मैं गदर जैसी कोई बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ, मेरी ऑडियंस क्या है। और उस ऑडियंस का सुर समझ के आप अपनी परफॉर्मेंस में हल्का सा एक मॉडरेशन लेकर आते हैं, बट उसके अलावा कोई चेंज नहीं। वो चेंज एक्चुअली जो शूट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके मन में ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि काम सिर्फ बड़ा या छोटा हो सकता है, काम सिर्फ अच्छा या बुरा हो सकता है, बड़ा या छोटा नहीं। किसी बहुत बड़ी फिल्म में भी आप बुरा काम करें तो बुरा ही है और किसी बहुत छोटे शो में आप बहुत अच्छा काम करें तो वो अच्छा ही है। तो एक्टर को कोशिश सिर्फ अच्छे काम की करनी चाहिए, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा ये सब की चिंता नहीं। सो ये आपके लिए ये नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस होते हैं वो काफ़ी डिफरेंशिएट करने लगे हैं। जैसे मैंने बॉयकॉट का नाम लिया, OTT में तो ये पॉसिबल नहीं है, टेलीविजन में भी नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड में ये चल रहा था, आपको क्या लगता है कि मतलब ऑडियंस का क्या माइंडसेट होता है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए फिल्मों के? आई थिंक ऑडियंस अपने मन से चलनी चाहिए, इन्फ्लुएंस मत होइए औरों की धारणा से। 100 लोग एक बात कह रहे हैं, कुछ एक हैशटैग चल रहा है, तो उस बहती गंगा में हाथ मत धोइए। अगर आपके मन से भी वही आवाज़ आ रही है तो ज़रूर कहिए, लोगों के कहने की वजह से अपनी ओपिनियन मत चेंज कीजिए। ये आप लोगों का वक्त है, आप लिटरली जो पसंद करें वो देखिए, क्योंकि फिर बाकी चीज़ों को चेंज होना पड़ेगा। अगर टेलीविज़न पर आप कुछ देख रहे हैं और आपको लग रहा है सीरियल बहुत खिंच रहा है, कहानी ट्रैक बहुत खिंच गया है, तो देखना बंद कर दीजिए। आप देखना बंद करेंगे तो वो शो को बंद होना पड़ेगा।
प्रॉब्लम ये होती है कि लोग देखते जाते हैं, कंप्लेन करते हैं पर देखते जाते हैं, इस वजह से फिर वो चीज़ भी चलती रहती है और एक पूरा स्टैंडर्ड गिर जाता है। OTT पर तो वैसे भी तो आपके हिसाब से है, आप जैसा देखना चाहते हैं, जिस किस्म की मटेरियल देखना चाहते हैं उस किस्म का मटेरियल कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्पेसिफिकली। और आई थिंक आगे चलकर कुछ प्रोजेक्ट्स को बड़े पर्दे के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाएगा क्योंकि वो बड़े पर्दे के लायक प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे गदर है, और कुछ प्रोजेक्ट्स को OTT के लिए ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा क्योंकि वो उस लायक होंगे। तो इन अ वे सभी के लिए अच्छा है, अलग अलग किस्म का एंटरटेनमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलेगा। सो मतलब ये कह सकते हैं कि देखे बिना ऑडियंस को पहले से ही ये माइंडसेट नहीं करना चाहिए कि पता नहीं ये फिल्म को बॉयकॉट करना है नहीं, क्योंकि गदर की बात करें तो गदर 1 बहुत बड़ी हिट थी, अब इतने सालों के बाद आ रही है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कुछ लोग का ये भी कहना है कि इतने सालों के बाद आ रही है तो पता नहीं वो छाप छोड़ेगी या नहीं। नहीं देखिए, अब हर किस्म की धारणा हमेशा होगी, पिक्चर देखिए और अपनी ओपिनियन बनाइए, आपको अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है और आपको अच्छी नहीं लगी, वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना लगे, पर अगर आपको अच्छी बाई चांस नहीं लगी तो नहीं लगी। ये ऑडियंस का वक्त है, आपके पास दो बहुत बड़ी पावर है, एक वोट और एक रिमोट, दोनों पावर का इस्तेमाल कीजिए करेक्टली। जो आपको पसंद ना हो वो बिल्कुल मत देखिए। आई थिंक अपने पैसे को आप कहाँ डालना चाहते हैं, कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। गदर की सिनेमा की टिकट आप खरीदेंगे तो आपको पैसा वसूल है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये वो फैमिली एंटरटेनमेंट है जिसका इंतज़ार काफ़ी बरसों से लोग कर रहे हैं, आप पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं, आप हंसेंगे, आप खेलेंगे, आप नाचेंगे, गाएंगे, आप देश के लिए नारे लगाएंगे, क्लाइमैक्स में कर्नल रावत के लिए ताली भी बजाएंगे और उस सब के अलावा 4-5 सीन में आंसू भी बहाएंगे। वो वाली इमोशनल फोर्स जो है इस पिक्चर की, जो पहले पिक्चर में भी थी, वो बरकरार है। तो ज़रूर जाके देखिए, आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा कुछ अगर आप स्टोरी के बारे में बता सकें। स्टोरी के बारे में जितना ट्रेलर में दिख गया वो काफ़ी समझने लायक काफ़ी है। अर्जुन अभिमन्यु को बचाने के लिए जाएंगे और अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस जाता है तो महाभारत में तो अभिमन्यु को नहीं बचाया जा सका था, पर यहाँ तारा सिंह है तो वो अर्जुन अभिमन्यु को कैसे चक्रव्यूह से बचाते हैं वो कहानी है इस बार। और उस चक्रव्यूह से बचाने के लिए साथ में हम लोग भी हैं तो हम लोग भी अपना पार्ट प्ले करेंगे। गाने भी काफ़ी अमेजिंग, गाने लोगों को फिर से बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जी गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक हमेशा अनिल जी का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है क्योंकि वो ना इमोशनली सोचते हैं, वो खुद एक छोटे शहर से हैं, उन्होंने अपना बचपन इंडिया में बिताया है, उनको हमारे ये पारिवारिक इमोशंस बहुत अच्छे से पता है। ही इज़ ब्यूटिफुल लाइक दैट, वो हर मोमेंट में कहीं कुछ एक इमोशन वाला टैग, कोई एक इमोशन वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं, एक हुक ढूंढ लेते हैं जिससे ऑडियंस को अच्छा लगेगा। तो गानों में भी चाहे वो खैरियत हो, चाहे वो उड़ जा का निकावा का रिप्राइज वर्जन है, चाहे मैं निकला गड्डी लेके, या जो 2-3 नए रोमांटिक गाने भी आप सुनने वाले हैं, सब में एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशन और मेलोडी है। बहुत अच्छी एल्बम है, बहुत वक्त के बाद एक पूरी एल्बम ऐसी आई है जिसे आप सुन सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं। एक और सवाल मुझे आपसे करना है, क्योंकि उस शो का आप हिस्सा रहे हैं, लोगों ने आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद किया था, मैं बिग बॉस की बात कर रही हूँ, तो अभी आप बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस OTT सीज़न 2, लोगों को ये जो OTT का सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि ये यूट्यूब वर्सेस एक्टर्स चल रहा है। देखिए ये मतलब मैं तो नहीं देखता इस वजह से क्योंकि कोई यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स है, ये सब बस बेचने के तरीके होते हैं। आपको अगर एंटरटेनिंग लग रहा है तो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत वंस इन अ वाइल ज़रूर देख रहा हूँ। बीच में अभिषेक जो हैं वो मुझे लग रहा था कि उन्होंने गेम बहुत जल्दी समझ ली और फिर अब वो जो वो रियल हैं उसके ऊपर वो जो समझ उनको आ गई, उन्होंने अपने आप को मॉडरेट कर लिया और उस तरीके से गेम खेलनी शुरू कर दी और वो करेक्ट लग रहा था। बाकी कोई ऐसा लगा था गेम ढंग से नहीं समझे हैं, मुझे लगा बहुत आसान सीज़न है अभिषेक के लिए बिकॉज कुछ ऐसा सामने कहीं कोई है नहीं। बट फिर पिछले हफ्ते मैंने कुछ एक एपिसोड देखा जिसमें वो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मुझे लगा कि बहुत सारी बातें कर वो लेकर आए हैं और अब बिग बॉस को उनको जिताना पड़ेगा और ऐसा वो सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभिषेक का नुकसान एल्विश का फ़ायदा हो सकता है, पूजा भट्ट का फ़ायदा हो सकता है, लेट्स सी ये किसके खिलाफ गेम खेल कौन खेल रहा है उसके हिसाब से नहीं,
मैं क्योंकि वहाँ से अंदर रह के आ चुका हूँ, इसे जानता हूँ कि ये इंडिविजुअल गेम होती है और आपको वहाँ कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा, अंदर हालात काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, कौन लग रहा है आप? मैं उतना नहीं देख रहा, जितना देखा उतना ही मैंने आपको बता दिया। बीच में मुझे लग रहा था कि अभिषेक बहुत अच्छा समझें, पर ये उस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे पता नहीं, सुना है मैंने कि एल्विश की बहुत फैंस हैं और शायद उनके लिए बहुत वोटिंग करेंगे। हाँ, वो कोई बात नहीं, आर्मी हो, वोट्स उतने मिलेंगे उन्हें तो बहुत अच्छी बात है। बट आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि बिग बॉस में जो होता है, बिग बॉस में वो होता है जो बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस में कभी भी वो नहीं होता जो वो नहीं चाहते। अगर बिग बॉस में कुछ हो रहा है तो ये वो है जो वो चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर बिग बॉस की धारणा में किसी को नहीं जीतना चाहिए तो बाहर बहुत वोट आए और वो जीत गया। होगा वही जो बिग बॉस के हिसाब से भी होगा। सो लेट्स सी। आप अपना सीजन कितना मिस करते हैं? नहीं, मेरा वाला सीज़न तो बेवकूफ़ी थी। वो एक्सपेरिमेंट वाला सीज़न था जहाँ पे उन्होंने साथ में कॉमनर्स डाल दिए, तो हम लोग तो इस्तेमाल हो गए बस। हम लोग उस साल बस इस्तेमाल होने के लिए चले गए, ना हमें दिखाया गया, ना हमारी बात बताई गई, ना ही ढंग से शोकेसिंग हुई। आपने पहले ही रात एक टीम को सेलिब्रिटी टीम और एक टीम को इंडिया वाले कह दिया, जैसे कि हम श्रीलंका से आए हों। अगर इंडिया वाले टीम है और इंडिया वाले वोट कर रहे हैं तो कैसे हारेंगे? और फिर घुमा फिरा के ज़बरदस्ती जो जिताना था वो खेला गया। वो सीज़न गलती थी, चार पांच बार पहले मना कर चुका था, उस साल भी मना ही कर देना चाहिए था। आई थिंक बिग बॉस 12 के बाद अगर मैं जाता तो एक्चुअली रियल गौरव आपको देखने का मौका मिलता। उसके पहले वाले सीजन्स में आप इस्तेमाल हो गए और दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपके वहाँ होने से। लेकिन इस फिल्म में एक्चुअली आप इंडिया वाले लगने वाले हैं? जी, इसमें तो इंडिया वाले हैं और इंडिया वालों की वर्दी और इंडिया वालों का जज्बा और हर चीज़ जो कर्नल रावत कहता है वो इंडिया का ही जज्बा है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये हम भी कहते हुए दिखाई देंगे। एक आखिरी सवाल, वो वर्दी पहनने के बाद मतलब वो जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो एक तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स जो हम देखते हैं, लेकिन जब पहनने के बाद क्या फीलिंग आती है, कैसा लगता है? देखिए, बहुत मेहनत कर ली थी, वो वज़न भी बढ़ा लिया कुछ 10 किलो और मूछ बना ली, बाल काट लिए, फिर वर्दी पहनी, आर्मी बैरिक्स में घूमा, वो लोग सल्यूट कर रहे थे, वो कहीं बिल्कुल जज्बा रियल हो गया। उस वक्त मेरे आसपास शूटिंग में सब रियल जवान हैं, उन सारे सीन्स में कोई भी जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, वो रियल हथियार पकड़ कर रियल जवान है, रियल जज्बे से शूटिंग हो रही थी। तो सचमुच उस वक्त अगर लड़ने जाना पड़ता बॉर्डर पर, मैं चला जाता, मतलब मैं फुल मूड में था। बट यही शायद मेरी सबसे खूबसूरत मेमोरी है गदर की, कि मेरे लिए वो वर्दी पहनना और वो रोल निभाना बिल्कुल रियल हो गया। उस वर्दी में, उस रोल में हम आपको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ऑल द वेरी बेस्ट इस फिल्म के लिए। लास्टली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? बस 11 तारीख को जाके फिल्म देखिए, ये वो फैमिली एंटरटेनमेंट है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी बरसों से कर रहे हैं। बड़े सिनेमा, बड़े पर्दे की कहानी है, जो प्यार और जो गदर पिछली गदर ने मचाया था, इस बार वाली गदर भी गदर मचाएगी, उसका प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ। थैंक यू।